नमस्कार, न्यूज क्लिक में आप लोगों का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम हमेशा इतिहास की बात तो करते हैं, लेकिन वो आज के संदर्भ में, क्योंकि हम ये मानते हैं कि किताबी इतिहास से रिलेट कर पाना बहुत मुश्किल है। अभी कुछ ही दिनों में हम लोग इमरजेंसी या फिर आपातकाल का 45th एनिवर्सरी ऑब्जर्व कर रहे होंगे। 25 जून आते आते शायद ही कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी बचेगी, खास तौर से जो कांग्रेस विरोधी या फिर कांग्रेस से अलग हैं, वो इस ओकेजन का इस्तेमाल करके अपना एजेंडा या अपना जो प्रिंसिपल्स या प्रोग्राम्स हैं उसको फॉरवर्ड नहीं करेंगे। लेकिन विडंबना है कि हर साल की तरह इस साल भी भारतीय जनता पार्टी और इस सरकार के शीर्ष के नेता भी कई सारे बयान जारी करेंगे। वो बार बार यही कहेंगे कि आपातकाल इस देश के इतिहास में एक ऐसा पीरियड था जब डेमोक्रेटिक स्पिरिट को बहुत बड़ा आघात लगा था। वो ये भी कहेंगे कि ऐसा पीरियड, ऐसा वक्त दोबारा से हमारे इतिहास में कभी नहीं आना चाहिए। हर सरकार में ये देखा गया है कि कथनी और करनी में फर्क होता है। ये एनोमली इस सरकार में भी है। 2015 में जब इमरजेंसी की 40th एनिवर्सरी को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे हुए लाल कृष्ण आडवाणी ने कई सारे इंटरव्यूज मीडिया को दिए थे। उनमें उन्होंने कई सारी बातें कही थी, लेकिन जो सबसे बड़ी बात, जो आडवाणी जी जो कि 1950 से राजनीति में रहे हैं और शायद इमरजेंसी के ऊपर टिप्पणी करने के लिए बहुत उपयुक्त हैं, क्योंकि वो उस पीरियड में जेल में भी रहे, तो उन्होंने कहा था, कई सारे स्टनिंग बातें बोली थी। तो उन्होंने जो कहा था उसमें सबसे पहली बात ये थी कि समकालीन भारत में जो फोर्सेस डेमोक्रेसी को क्रश कर सकते हैं ज्यादा मजबूत हो गए हैं। दूसरी बात जो उन्होंने रखी थी वो ये थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रोविजनल्स होने के बावजूद 2015 में उनको ऐसा लगता था कि सफिशिएंट सेफगार्ड्स नहीं थी इमरजेंसी दोबारा नहीं रिपीट होने की, और तब से लेके अब तक सिचुएशन कोई खास इंप्रूव नहीं की है, बल्कि डिटियोरेट ही की है शायद। तीसरी बात जो उन्होंने कही थी वो एब्सोल्युटली चिलिंग थी, और मैं आपको बिल्कुल कोट करके सुनाना चाहता हूं। इन द ईयर सिंस The emergency in 1975-77, I don't think anything has been done that gives me the assurance that civil liberties will not be suspended or destroyed again. Not at all. 5 साल बीत गए हैं, अडवाणी जी और politically marginalized हो गई है, ये सरकार और मजबूत हो गई है, दोबारा से सत्ता में आ गई है मैंडेट ज्यादा लेकर। राजनीतिक चर्चाओं के दौरान एक सवाल अक्सर फ्लैग किया जाता है हमारे जनता के बीच में, वो ये कि क्या अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी के अंडर हम लोग ऑलरेडी आ गए हैं। एक तरह से तो हमारे सामने इमरजेंसी ही है। COVID-19 पैंडेमिक से बढ़ते हुए डेथ रेट्स और फिर इकोनॉमी की जो बुरी हालत है, पर्सनल फाइनेंसेस में बहुत मेजर क्राइसिस है हर एक के सामने, तो एक तरह से तो हम लोग कह सकते हैं ये बिल्कुल हर एक के लिए पर्सनल आपातकाल या इमरजेंसी है। अगर कुछ बाकी रह गया था तो इस सरकार ने अपने हैम हैंडेड हैंडलिंग की से उसको पूरा कर दिया है। जी हाँ, मैं इंडिया चाइना जो डिप्लोमेटिक मिलिट्री सिचुएशन है उसके चलते जो हमारे सामने समस्या है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। लेकिन सवाल ये उठता है कि
कि क्या ये इमरजेंसी या ये सिचुएशंस जो हमारे सामने हैं आज के तारीख में, क्या ये हमारी जो बीती हुई जो इमरजेंसी पीरियड था, जो आपातकाल पीरियड था, उससे कंपेरेबल है? इसका जो जवाब है ये एक तरह से हमारे सवाल में ही छिपा हुआ है कि वो इमरजेंसी था क्या। उसके लिए हमको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। मार्च 1971 में हिंदुस्तान का पहला मिड टर्म लोकसभा इलेक्शन हुआ था। इसके पीछे मूल दो कारण थे कि इंदिरा गांधी जो जनवरी 1966 में प्रधानमंत्री बनी थी, वो दो चीजें चाहती थी। एक तो रिन्यूड मैंडेट लेके आना चाहती थी, क्योंकि पिछले बार उनके पास बहुत फ्रेजाइल मैंडेट था। दूसरा, वो कांग्रेस के जो पुराने जो वरिष्ठ नेता थे उनसे जो स्प्लिट किया था उसको वो टोटली वीकेंड करके एक नई पार्टी को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट बनाना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने चुनाव को कराया और उसके वजह से उनको बहुत कामयाबी मिली। दोनों ऑब्जेक्टिव्स 1971 के चुनाव में पूरे हो गए। कांग्रेस को 350 से ज्यादा लोकसभा में सीटें आई। कुछ ही महीनों में 1971 का युद्ध पाकिस्तान के साथ हुआ और उसी में बांग्लादेश भी एक नई आजाद देश के तौर पर उभर के आया और पाकिस्तान पूरी तरह से वीकेंड हो गया। ये वो पीरियड है जब हिंदुस्तान के इतिहास में विपक्ष के नेता भी इंदिरा गांधी को दुर्गा के साथ कंपेयर करते थे। जो इंटरनेशनल मैगजीन है इकोनॉमिस्ट, उसने भी अपने कवर स्टोरी में इंदिरा गांधी को डाला और कवर में जो स्लोगन होता है वो दिया कि द एम्प्रेस ऑफ इंडिया। उसके बाद 1972 में लगभग 20 राज्यों में स्टेट असेंबली इलेक्शंस हुए, ये भी कांग्रेस पूरी तरह से स्वीप कर गए। लगभग ऐसा लगने लगा था कि इंदिरा गांधी या कांग्रेस को अपोज करने वाला इस देश में कोई बचा ही नहीं। लेकिन जैसे कि कहते हैं कि नेता खुद गलती कर देते हैं, चाहे ही जितना बड़ा मैंडेट हो, खास तौर से अगर वो डेमोक्रेटिक स्पिरिट से गवर्न नहीं होते। तो इंदिरा गांधी ने भी गलतियां की और कुछ ही समय के बाद उनके सरकार के खिलाफ आंदोलन होने लगे। सबसे पहले तो 1974 के शुरुआती महीनों में गुजरात में नव निर्माण आंदोलन छात्रों ने शुरू किया। उसकी वजह से गुजरात में पॉलिटिकल अपहीवल इतना हो गया कि वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो गिर गई और फिर इंदिरा गांधी को दोबारा से इलेक्शन करवाने पड़े, जिसमें कांग्रेस की सरकार नहीं बना पाई। उसी के साथ साथ नव निर्माण आंदोलन के साथ बिहार में टोटल रेवोल्यूशन या फिर संपूर्ण क्रांति का आंदोलन शुरू हुआ। धीरे धीरे अलग अलग स्टेट्स में ये एजिटेशन फैलता गया और जयप्रकाश नारायण एक बहुत ही टाइटैनिक फिगर के तौर पर उभर के आए और इंदिरा गांधी को चैलेंज किया और तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज थे जो उनके कांग्रेस के खिलाफ थी वो सब इस आंदोलन में शामिल हो गए। उसी समय जून 1975 को एक इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया जो बहुत ही ड्रामेटिक और एक नाटकीय मोड़ दे दिया हिंदुस्तान के इतिहास को। उस जजमेंट के बाद से इंदिरा गांधी और इंडिया का हिस्ट्री का एक नया दौर शुरू हो गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज थे जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा। उनके कोर्ट में 1971 लोकसभा चुनाव का एक पिटीशन था जो राज नारायण ने फाइल किया था। दरअसल रायबरेली कॉन्स्टिट्यूएंसी से इंदिरा गांधी ने राज नारायण को हराया था और उसके बाद उन्होंने पिटीशन फाइल की थी कि इंदिरा गांधी ने चुनाव कैंपेन के दौरान करप्ट प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल किया था। 1971 में पिटीशन फाइल होने के बाद लगातार कई साल तक हियरिंग होती रही और 1975 में जून तक हियरिंग खत्म हो गई थी और अब जजमेंट एक्सपेक्टेड थी। 12 जून 1975 को जिस दिन जस्टिस सिन्हा के कोर्ट में जजमेंट सुनाने का समय आ गया तो उस समय कोर्ट पूरा खचाखच भरा हुआ था, लेकिन पिन ड्रॉप साइलेंस था। जैसे जैसे
जस्टिस सिन्हा ने अपना जजमेंट पढ़ना शुरू किया और लोगों को पता चलने लगा कि वर्डिक्ट जो है किस दिशा में जा रही है, तो थोड़ा बहुत लोगों में एक्साइटमेंट और डिसअपॉइंटमेंट दोनों मूड्स अलग अलग कैंप्स में उसकी आवाजें आने लगी। फाइनली जाके जब अपना लास्ट ऑपरेटिव पैराग्राफ जस्टिस सिन्हा ने पढ़ के सुनाया, तो एक तरफ तो उन्होंने ये अनाउंस किया कि इंदिरा गांधी वॉज गिल्टी ऑफ यूजिंग करप्ट प्रैक्टिसेस, दूसरी तरफ उन्होंने इंदिरा गांधी का इलेक्शन को सेट असाइड कर दिया या फिर उनको एक तरह से अनसीट कर दिया। तो सवाल ये उठा कि अब अगर लोकसभा की सदस्य ही नहीं रहेंगी इंदिरा गांधी, तो वो प्रधानमंत्री कैसे बन के रह सकती है। जाहिर सी बात है कि इतने इम्पोर्टेंट वर्डिक्ट से एक्सट्रीम रिएक्शंस आए। एक तरफ तो बहुत एक्साइटमेंट और जॉय था और दूसरे तरफ तो बहुत दुखी मन से उनके जो सपोर्टर्स थे वो दोबारा सपोर्टर्स और जो वकील थे वो जस्टिस सिन्हा को उन्होंने अप्रोच किया और कहा कि हमको थोड़ा सा वक्त दे दीजिए ताकि हम सुप्रीम कोर्ट में जाके आपके वर्डिक्ट के खिलाफ अपील कर सकते हैं। तब जस्टिस सिन्हा ने उस दोपहर को अपना जजमेंट को स्टे कर दिया। अपील फाइल तो की इंदिरा गांधी के वकीलों ने, लेकिन उसके सुनवाई तक के लिए उन्होंने इंतजार नहीं किया। उसके पहले ही 25 जून को प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद से आर्टिकल 352 के अंतर्गत इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन साइन करवा लिया और जैसे ही इमरजेंसी अनाउंस हो गई, तुरंत ही ऑपोजिशन के नेता और जो तमाम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट देश भर में थे, जो एक्टिव थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। देश भर के नागरिकों के फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो गए और प्रेस सेंसरशिप इम्पोज हो गया। देखते ही देखते कोई ही शायद ऐसा जेल रहा हो जहां पे पॉलिटिकल प्रिजनर्स नहीं कैदी थे। देश में डर का एक माहौल सा फैल गया। हर इंसान बात करने से घबराने लगा। कुछ भी किसी से भी बात करने के पहले एक बार मुड़कर जरूर देख लेता था कि भाई कोई है तो नहीं जो मेरी बात सुन के रिपोर्ट कर दे, और मैं भी जो मीसा या इस तरह के जो और ड्रेकोनियन कानून थे उसके अंतर्गत मेरे को भी गिरफ्तार कर ले। इमरजेंसी पीरियड में हमारे राष्ट्र के फैब्रिक, जो डेमोक्रेटिक फैब्रिक और स्पिरिट था, इस पर 3-pronged हमला हुआ था। पहला पहलू हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स और पॉलिटिकल एक्टिविज्म पर डायरेक्ट असॉल्ट था। दूसरा फ्लैंक फार रीचिंग कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस का था। ये चेंजेस 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास करवा के किया गया। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एक ओमनीबस अमेंडमेंट बिल था। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन या हमारे संविधान के एग्जिस्टिंग 60 एक्ट्स को परिवर्तित या अमेंड किया गया था। ये इतना मल्टी डायमेंशन था कि इस पर अलग चर्चा की जरूरत होगी, लेकिन इसके ड्रामेटिक नेचर ने किसी भी एलिमेंट को हमारे संविधान के नहीं छोड़ा, यहां तक के संविधान को भी नहीं बख्शा था। संसद को हक दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी परिवर्तन या अमेंडमेंट करने का। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट की जो महत्वपूर्ण रूलिंग थी उसको इस अमेंडमेंट 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा इनवैलिडेट किया गया था। इमरजेंसी का थर्ड डायमेंशन ऑफ अटैक नागरिकों के सिविक फैसिलिटीज और प्रिविलेजेस का वायलेशन था। फोर्सफुल स्टेरिलाइजेशन और ब्रूटल रीसेटलमेंट ऑफ देयर रेसिडेंशियल कॉलोनीज, ये इनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण था। इनका सबका एक ऊपर से एक प्रिटेंस रखा गया था जिसको 20 सूत्री कार्यक्रम बोला गया था, कि एक तरफ से तो उन पर अत्याचार हो रहा था लेकिन आर्गुमेंट ये दिया जा रहा था कि ये उनके वेलफेयर या उनके भले के लिए है। सवाल ये उठता है कि अपने आप को इतने अच्छी तरह से इंसुलेट करने के बाद सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेसेस थे उसको सबवर्ट करने के बाद
इंदिरा गांधी ने फिर जनवरी 1977 में चुनाव की घोषणा क्यों की? क्या ये उनका फेटल फ्लॉ था या फिर ये था कि वो अथॉरिटेरियन स्ट्रीक होने के बावजूद उनमें एक इच्छा थी कि उनको डेमोक्रेटिक मैंडेट मिले और थ्रू डेमोक्रेसी वो अथॉरिटेरियन तरीके से फंक्शन कर सकें? 2014 के नतीजों के बाद कई पत्रकारों ने और विशेषज्ञों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में इंदिरा गांधी के शेड्स देखे हैं। उनके हिसाब से उन लोग दोनों में कई सिमिलैरिटीज और कई डिसिमिलैरिटीज हैं। दोनों एक दूसरे के वीकनेसेस भी शेयर करते हैं और स्ट्रेंथ्स भी शेयर करते हैं। अडवाणी जी से बेहतर शायद ही कोई समकालीन भारतीय राजनीति में होगा जो प्रधानमंत्री को समझता है। 2015 में उन्होंने कहा था इमरजेंसी दोबारा इम्पोज की जा सकती है या फिर फॉर्मली इम्पोज नहीं करते हुए भी इफेक्टिवली लगाई जा सकती है। डेमोक्रेटिक राइट्स की कर्टेलमेंट तो हुई है रीसेंट ईयर्स में 2014 के बाद। डिसेंटर्स और क्रिटिक्स को तो एंटी नेशनल अक्सर कहा जाता। इसके बावजूद CAA के खिलाफ एक बहुत ही वाइब्रेंट आंदोलन हमको पिछले साल के दिसंबर के महीने में देखने को मिला था। अगर इमरजेंसी पीरियड में मीसा जैसे कानून लगाए गए थे, उनका दुरुपयोग किया गया था, तो लगातार इस बार पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और सिविल सोसाइटी के मेंबर्स के खिलाफ UAPA जिसको पिछले साल अमेंड किया गया था 2019 के मैंडेट को रिन्यू कराने के बाद में, उसका भी इस्तेमाल अभी किया जा रहा है। हम सब जानते हैं कि इमरजेंसी के दौरान मीसा और उस तरह के अलग और कानूनों का दुरुपयोग किया गया था पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और सिविल सोसाइटी के मेंबर्स के खिलाफ। ठीक उसी तरह से आज भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट या सिविल सोसाइटी के मेंबर्स के खिलाफ जो एमेंडेड UAPA है, जिसको पिछले साल के चुनाव जीत के आने के बाद एमेंड किया गया था, उसका इस्तेमाल हो रहा है। जिसका भी मत इस सरकार से थोड़ा सा अलग है, अलग सोच रखता है और उसको आर्टिकुलेट करता है, उनको बार बार अलग अलग मौकों पर स्टिग्मेटाइज किया जाता है। सवाल पूछना तो अब जैसे गुनाह है, जो कहा जाता है उसी को बस मान लीजिए। प्रेस फ्रीडम तो है, लेकिन अलग अलग पत्रकारों को एग्जाम्पल सेट करने के लिए उनके खिलाफ FIR फाइल किए जाते हैं। अब तो स्थिति ऐसी हो गई है कि स्पॉट रिपोर्टिंग के मतलब कहीं जाकर वहां क्या हो रहा है उसका विवरण करने से भी उस पत्रकार के खिलाफ FIR फाइल हो रही है। इमरजेंसी का 45th एनिवर्सरी के दौरान जो डिस्कोर्स होगा, हमको हमारे कंटेम्पररी चैलेंजेस के बारे में आगाह करेगा। नमस्कार।